है दोस्तों, आज के टाइम में लगभग सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई भी दूसरा इंसान आता है और आपका कचड़ा करके चला जाता है, जो पता नहीं आपके अंदर के वायरिंग को पूरी तरह से हिला देता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक्चुअली में हुआ क्या और इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें, कैसे अपने आप को सेव करके रखें ताकि कोई भी दूसरा इंसान आपका कचड़ा ना कर सके। बात सिर्फ कचड़ा होने की नहीं है, कोई दूसरा इंसान जब आपकी तारीफ कर देता है तो भी आप फूल के गुब्बारा हो जाते हो। आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, आप तो खुद को राजा महाराजा समझने लग जाते हो, आप स्पेशल फील करने लग जाते हो। बट आपको इस सिचुएशन से भी डील करना नहीं आता है। एक्चुअली आपको पता ही नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं या उनसे डील कैसे करते हैं, क्योंकि बचपन से कभी भी आपको ये नहीं सिखाया गया है कि सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक करेक्टली। बस आपको ये पता है कि क्या सोचते हैं, व्हाट टू थिंक। और आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस बुक में, द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताभ गैंगवार, जो मेनसूत्रा चैनल के ऑनर भी है। श्वेताभ इस बुक के थ्रू आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो बस आपको सोचना सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप एक बार सोचना सीख जाओ देन आप अपनी सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बुक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रियली प्रैक्टिकल और हेल्पफुल है, बट मैंने चार पॉइंट्स नोटिस किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रियली आपको सोचना सिखा देगा। नंबर वन, बिकमिंग स्पेशल। नंबर टू, डीलिंग विथ रिजेक्शन। नंबर थ्री, यू आर अ नेशन। नंबर फोर, हाउ टू थिंक, स्टेप्स टू थिंक करेक्टली। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द पॉइंट्स वन बाय वन। नंबर वन, बिकमिंग स्पेशल। देखो, आज के टाइम में सभी लोग सेंटर ऑफ फोकस बनना चाहता है, तभी तो सोशल मीडिया इतनी कामयाब है। सभी कोई अच्छा दिखना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, जीतना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सराउंडिंग के लोग, जैसे आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, सब कोई चाहता है कि आप एक ग्रेट प्रोडक्ट बन जाओ। उन सभी का आपसे एक बहुत बड़ा होप जुड़ा हुआ है कि आप एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनोगे, और इन सब के चक्कर में बचपन से आपको स्पेशल फील कराया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि आप ग्रेट प्रोडक्ट बन जाओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कब स्पेशल फील करते हो, तो शायद आप सोचो उस मोमेंट के बारे में जब लोग आपके जोक्स पे हंसे थे, या आपके एफर्ट की तारीफ हुई थी, या सोशल मीडिया पे आपके पिक पे यूजुअल से ज़्यादा लाइक या कमेंट मिले। आज की जनरेशन लगभग इसी तरह से स्पेशल फील करती है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में वो सब कुछ है जो आपको स्पेशल फील कराता है, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। बट श्वेताभ कहते हैं स्पेशलनेस आपको अर्न करना चाहिए बाय अचीविंग समथिंग स्पेशल, जो आपके सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग करे, जो आपको पहली बार ये एहसास दिलाए कि आप कैपेबल हो। स्पेशलनेस इज अ बैज ऑफ रियलाइजेशन यू अर्न। ये सोच आपके पूरे लाइफ को इफेक्ट करता है। कोई भी अचीवमेंट आपको एहसास दिलाता है कि आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ नया सीखा है, और साथ ही आपके सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग करता है। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले भी किया है, ये एक अमेजिंग थॉट है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बट देर इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस, आप लाइफ के एक अचीवमेंट से स्पेशल नहीं बन सकते, क्योंकि सारे अचीवमेंट्स पास्ट में बदल जाएंगे। 15 साल की उम्र में जीता हुआ मेडल 20 या 25 साल की उम्र में कोई काम का नहीं। बिकमिंग स्पेशल इज़ ए कंटिन्यूस बैटल एंड यू हैव टू रेडी फॉर एवरी बैटल्स। और यहाँ पे अचीवमेंट का मतलब कोई मेडल या ट्रॉफी जीतना नहीं है, अचीवमेंट कैन बी पर्सनल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया लैंग्वेज सीखना, कोई पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना, ये भी एक तरह का अचीवमेंट ही है। सो जब आप स्पेशलनेस को कैपेबिलिटी से जोड़ दोगे, देन आप फ्री हो जाओगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपको किसी के अप्रूवल या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरा इंसान आपकी तारीफ करेगा या आपको एक्सेप्ट करेगा तो आप स्पेशल फील करोगे। सो स्पेशलनेस आपको तब फील करना चाहिए जब आप कोई स्किल सीख जाओ, कैपेबल बन जाओ, खुद को अपग्रेड कर लो लाइफ में, एंड दैट्स हाउ यू बिकम स्पेशल। नंबर टू, डीलिंग विथ रिजेक्शंस। आज के टाइम में हम सब पपेट बन गए, जिसकी डोर दूसरों के हाथों में, जो कंटिन्यूसली हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स ट्रू माई फ्रेंड, हम सब ऐसे बन गए हैं कि कोई भी आता है और हमारे फीलिंग्स के साथ खेलता है और चला जाता है। जब चाहे वो आपको हंसा देता है, जब चाहे वो रुला देता है, जब चाहे वो आपको कुछ बेच के चला जाता है, और कुछ तो आपको ही बेच देता है। एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद ऑल दिस सिचुएशंस बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू थिंक। एंड टॉप ऑफ ऑल, रिजेक्शंस। हम सब रिजेक्शंस से बहुत डरते हैं, जॉब रिजेक्शंस, आइडिया रिजेक्शंस, लव रिजेक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रिजेक्शंस की डर की वजह से हम कुछ नया ट्राई भी नहीं करते। Even you have never tried to propose someone you love deeply, only because you feel if she reject you. So, rejection से deal करने के लिए श्वेताभ दो fundamental principles की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास fundamental principles होंगे then आप rejections को समझ पाओगे और easily handle भी कर पाओगे। So, principle number one, rejections are normal. देखो, rejection normal है, सभी के साथ होता है। आप दुनिया में अकेले नहीं हो जिसे rejection झेलना पड़ रहा है। हर कोई रोज कहीं ना कहीं reject हो ही रहा है। इवन ये भी पॉसिबल है कि जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसे भी सेम डे रिजेक्शंस मिला होगा। सो ये अज्यूम करना बंद कर दो कि रिजेक्शन सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। एवरीवन इज फेसिंग रिजेक्शंस, यू आर नॉट अलोन। प्रिंसिपल नंबर टू, पीपल आर वियर्ड।
देखो हम लोग ना एज्यूम बहुत जल्दी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करता है तो आप एज्यूम कर लेते हो कि वो अच्छा इंसान है, और जब कोई आपसे रूडली बिहेव करता है तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो बुरा है। बट थिंक लाइक दिस, जो आपको अच्छा लगा क्या वो सबके साथ अच्छा ही रहता होगा? वो कभी भी बैडली बिहेव नहीं करता होगा? या फिर जो आपको बुरा लगा क्या वो सबके लिए बुरा है? क्या उसके कोई भी दोस्त या फैमिली नहीं है जो उसे अच्छा कहते हैं? ऑफकोर्स होगा ही। सो लेट मी सिंपल इट, कोई भी कम्प्लीटली गुड या बैड नहीं होता है। इट्स रिलेटिव परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डिड यू फील लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ हिम। बट थिंक लाइक दिस, पीपल आर वियर्ड। कोई इंसान कब किस तरह से बिहेव करेगा कोई भी नहीं जानता। सो लोगों को वियर्ड कहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप लोगों को वियर्ड कहते हो तो आप खुद को फ्री कर देते हो किसी भी तरह के परसेप्शन या बायस से। आप चाहे सामने वाला बंदा कैसा भी बिहेव करे, क्या फर्क पड़ता है? जस्ट से पीपल आर वियर्ड एंड मूव ऑन। सो एक क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल आर वियर्ड? इट्स बिकॉज यू डोंट हैव डाटा। एंड रिमेंबर, डाटा इज द किंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शेर को देख करके कह सकते हो कि वो हमला करेगा, एंड सेम फॉर द क्रोकोडाइल। और एक पपी को देख करके आप ये कह सकते हो कि वो आपसे दोस्ती कर लेगा। यू कैन प्रेडिक्ट फॉर दिस क्रिएचर्स बिकॉज यू हैव डाटा। बहुत लंबे एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास एक्चुअल डाटा है कि कोई एनिमल किस तरह से बिहेव करता है, और आप इसके लिए खुद को रेडी रखते हो ताकि कोई भी शेर आपका कचरा ना कर दे, राइट? बट इंसानों के केस में हमारे पास कोई ठोस डाटा नहीं है, हम बस एज्यूम करते हैं, और एजम्पशंस गलत भी हो सकते हैं। इसलिए जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो पेन फील होता है, क्योंकि आपने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। बट जब आप ये सोच के चलते हो कि पीपल आर वियर्ड, देन आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, एंड देन कोई आपको रिजेक्ट भी कर दे तो आपको पेन नहीं होता, क्योंकि आप रेडी थे इसके लिए। आफ्टर ऑल पीपल आर वियर्ड। सो रिजेक्शंस को डील करने के लिए आपको ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखना है। नंबर वन, रिजेक्शंस आर नॉर्मल। नंबर टू, पीपल आर वियर्ड। अगर आप इन दोनों प्रिंसिपल्स को समझ चुके हो तो कमेंट में जरूर लिख दो, पॉजिटिविटी फैलेगी। नंबर थ्री, यू आर अ नेशन। श्वेताभ कहते हैं कि हम सभी को खुद को नेशन समझना चाहिए। सो व्हाई डू वी नीड टू परसीव आवर सेल्फ एज अ नेशन? इसका फायदा क्या है? वेल, इसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेल्फ का क्या मतलब है और सेल्फ वर्थ कैसे क्रिएट होता है। बिकॉज हर रोज हम सब किसी ना किसी तरीके से सेल्फ को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, मतलब हम सब खुद का कचरा खुद ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कैपेबल है या नहीं दूसरों से पूछते हैं, उनका अप्रूवल और एक्सेप्टेंस हमारा सेल्फ वर्थ बताता है। हम सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, ताकि हम अपने आइडियल को इम्प्रेस कर सकें। यहाँ भी हमारी खुशी, सेल्फ वर्थ, उनके अप्रूवल से पता चलेगा। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ताकि सेल्फ वर्थ पता कर सकें। हम सब हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं जिससे उनके नज़रों में अच्छे बन सके। हम सब मोटिवेशन के लिए भी दूसरों को ढूंढते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, और जब फेल होने लगते हैं तो सेल्फ वर्थ सेल्फ डाउट में बदल जाता है। एक्चुअली हम मोटिवेशन भी सक्सेसफुल होने के लिए ढूंढते हैं, दैट इज़ सक्सेसफुल दूसरों के नज़रों में। क्या आपने कभी भी जीने के लिए मोटिवेशन ढूंढा है? ऑफकोर्स नॉट, मोस्टली बिकॉज जीना खुद के लिए होता है, जीने के लिए किसी और की अप्रूवल नहीं चाहिए। सो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने सेल्फ और सेल्फ वर्थ का कचड़ा करते रहते हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं, हमें खुद को नेशन क्यों समझना चाहिए? वेल, जब हम अपने सेल्फ का कचड़ा करना बंद कर देते हैं और सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, लाइक हमारे डिज़ायर्स, वांट्स, टेंडेंसीज। और उसमें से मैक्सिमम डिज़ायर, वांट्स और टेंडेंसीज वैसे होते हैं जो हमारा ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हम सेल्फ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, रूल्स बनाते हैं, मोरालिटी एस्टैब्लिश करते हैं। एंड यू नो व्हाट, लाइफ में पहली बार हम अपने सेल्फ का इंचार्ज खुद बनते हैं। बट हमें सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा तो आपके एनिमीज आपके अथॉरिटी बन जाएंगे, एंड दैट्स वाई हमें नेशन बनना पड़ेगा। सो हाउ टू बिकम ए नेशन? आप इस तरह से खुद को एज्यूम करो, लाइक आप एक नेशन हो, नॉट जस्ट अ पर्सन। दूसरे लोग दूसरे नेशन हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी नेशन हैं, और अगर आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा होगा तो सब ठीक, अदरवाइज आप दोनों को सफ़र करना पड़ेगा। आप अपने नेशन के प्रेसिडेंट हो, आपके मॉरल कोड्स और रूल्स आपका संविधान है, और ये संविधान आपके सेल्फ को सेफ रखेगा, आपको रोकेगा गलत कदम उठाने से, लाइन क्रॉस करने से। सेल्फ कंट्रोल आपके सिक्योरिटी फोर्स है जो आपके रूल्स और मॉरल कोड्स की रक्षा करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स है जो कि आपको खुश रखता है जब सेल्फ कंट्रोल अच्छे से अपना काम करता है। डिज़ायर, अर्जेस एंड टेंडेंसीज जो आपको नुकसान पहुँचाता है वो टेररिस्ट्स है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका ईगो अपोजिशन पार्टी है जो चाहता है कि आप बेस्ट बन जाओ, बट उसे बेस्ट का सही मतलब नहीं पता है।
आपके ईगो के लिए बेस्ट का मतलब वो चीज़ है जो आपको अच्छा फील कराए, इसलिए आपको अपने ईगो को समझदारी से हैंडल करके अपने वर्क में लगाना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने अच्छे रिजल्ट को इंजॉय करना है। सो जब आप इस तरह से सोचोगे और खुद को नेशन समझोगे, देन आप अपने नेशन और सेल्फ की अथॉरिटी किसी दूसरे नेशन को नहीं दोगे। मतलब आपको अपनी खुशी के लिए किसी और की अप्रूवल या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सेल्फ वर्थ को खुद समझ पाओगे बाई नोइंग हाउ कैपेबल यू आर, और फिर आप अपने सेल्फ और सेल्फ वर्थ की हर हाल में रक्षा करोगे, जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट सिक्योर हिज नेशन फ्रॉम अदर नेशंस। और फिर कोई दूसरा इंसान आपका कचरा नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको खुद को एक नेशन की तरह समझना चाहिए, ताकि कोई दूसरा नेशन आपको बर्बाद ना कर सके, आपका कचड़ा ना कर सके। नंबर 4, लर्निंग हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक इज बेसिकली नॉट नोइंग व्हाट टू थिंक। आप सभी ने कभी ना कभी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और हायर थिंकिंग के बारे में सुना होगा। यह सब और कुछ नहीं, बस वैसे लोगों का थिंकिंग स्टाइल है जिसे सही से सोचना आता है। सो हम सब अभी जिस तरह से सोच रहे हैं वो गलत क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सोचना ही नहीं दिया गया है, हमें पता ही नहीं है कि सोचते कैसे। बचपन में हम सब क्यूरियस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन का पैकेट दे दिया जाता है एंड देन हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हमें सही लगता है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हमें पेरेंट्स, फ्रेंड्स या वैसे लोगों से मिलता है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, या फिर टीवी शोज, मूवीज़ या इंटरनेट से मिलता है जिसे हम आँख बंद करके फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या फिर यह इन्फॉर्मेशन हमारे फीलिंग्स से आता है जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। और हमें इस तरह के इन्फॉर्मेशन पैकेट्स की आदत हो जाती है, हम डाउट करना बंद कर देते हैं, क्वेश्चंस करना बंद कर देते हैं, और जब भी हमारे माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होता है तो हम इन्फॉर्मेशन पैकेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, खुद से सोचने की कोशिश भी नहीं करते। जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैजिकल मैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन दे दे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारी सोचने की क्यूरियोसिटी रिप्लेस हो चुकी है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम नोइंग से, इवन इन्फॉर्मेशन बुलशिट ही क्यों ना हो। सो हाउ टू थिंक का फर्स्ट स्टेप है, इन्फॉर्मेशन पैकेट्स को ढूंढना बंद कर दो, एकदम क्ल्यूलेस हो जाओ, जीरो से स्टार्ट करो और फिर नए क्लूज ढूंढो। इसी तरीके से तुम खुद को अनबायस्ड कर पाओगे, चीज़ों को, सिचुएशंस को नए नज़रिए से देख पाओगे, और इसे ही क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। सो हम सब वैसे क्यों सोचते हैं जैसे सोचते हैं? एक्चुअली हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ लोग नॉलेज को सेलिब्रेट करते हैं, इंटेलिजेंस को नहीं। और जब नॉलेज का होना ही काफ़ी है तो भला सोचने की क्या ज़रूरत है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कूल दिखना, लोगों को इम्प्रेस करना, और वो काम तो नॉलेज से हो जाता है। इन्फॉर्मेशन पैकेट ही काफ़ी है, दैट्स वाई हम सोचते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज वेस्ट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ सुपर पावर। नॉलेज हमारे थॉट का फूड है, बट अगर आपको नॉलेज का यूज़ करना नहीं आता है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका काम बस इन्फॉर्मेशन पैकेट से चल जा रहा है। हाउ टू थिंक करेक्टली को अचीव करने का सेकेंड स्टेप है डाटा। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्लूलेस, एंड स्टार्ट फाइंडिंग न्यू डाटा। डाटा ही आपका ट्रू टीचर होना चाहिए, और आपको हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। किसी भी परसेप्शन या आंसर को फाइनल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि न्यू डाटा डेली प्रोड्यूस होते हैं और हर नया डाटा आपके परसेप्शन या आंसर को चेंज कर सकता है, आपके प्रेजेंट आंसर को गलत साबित कर सकता है, आपके प्रेजेंट परसेप्शन को चैलेंज कर सकता है, एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लंबे समय तक न्यूटन के दिए गए ग्रेविटेशनल लॉ को सही माना गया था, लेकिन आइंस्टाइन एक क्रिएटिव थिंकर थे, उन्हें पता था हाउ टू थिंक, और उन्होंने न्यूटन के दिए गए ग्रेविटेशन लॉ को चैलेंज किया और न्यू डाटाज प्रोड्यूस किए, जिसे ये साबित हो गया कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ गलत है। सो ऑलवेज रेडी टू चैलेंज योर ओन थॉट, योर ओन परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डाटा। आपके थिंकिंग का फाइनल रिजल्ट सिर्फ प्रेजेंट में अवेलेबल डाटा के बेस्ड पे होता है, और वो बदल सकता है। सो बी रेडी टू चेंज एंड अडॉप्ट। सो हाउ टू थिंक नीड टू थिंग्स। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्लूलेसली, किसी भी इन्फॉर्मेशन पैकेट से सेटिस्फाइड नहीं होना है। नंबर 2, कंटिन्यूसली फाइंड न्यू डाटा एंड थिंक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डाटा ऑलवेज। किसी भी टाइप के परसेप्शन या बायस के बेस पे नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अनबायस डाटा पे डिपेंड रहना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू थिंक इज एक्चुअली नॉट नोइंग व्हाट टू थिंक। सो दैट्स इट गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ो, और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के इस बुक को खरीद सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तभी तो यहाँ तक देख रहे हो, सो एक लाइक तो बनता है बॉस। और इस तरह के वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन जरूर दबा देना, ताकि सारा अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताओ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।